नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बैसाख महीने की बड़ी चौथ की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनको एक बेटा और उसकी एक बहू थी। वो बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वो कहती, बासी कूसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी ये बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दे दिया। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी ये बासी कूसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वो रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वो कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कूसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वो बासी कूसी हुई या नहीं। ये सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वो कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी भी मिल गई। कुछ ही समय में वो सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंडे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें बैसाख की चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप ये किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, ये चौथ माता का व्रत है, इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान और बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देगी, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिबिया में एक दाना गेहूं रखते जाना, जब 30 दाने हो जाएं, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते समय बहुत बीत गया। चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा? तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है? तो उसने कहा, ना मैं सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा तो कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने दाह समाधि लेने जा रहा था, उसने उसको संस्कार दिया। सांप ने गुस्से में कहा कि मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, पर तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ और पत्नी से मिल लूं तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा और उस पर चढ़कर तुम मुझे डस लेना। घर पहुंचा तो वो उदास था, बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी, सब बात पता करके उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया, चूरमे और बालू मिट्टी में किलौले करा, पर बोला, साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए।
साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहां सफाई करवाई, बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू चार समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली कि मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी, एक समय का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती और चौथी बार का चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान भी मंगवाया है, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी, बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे, जमीन में खोदा तो सोना मिला। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब बैसाख के चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 8 करना, 8 नहीं तो 4 बड़ी चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना। हे चौथ माता, जैसे आप साहूकार की बहू पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना। आपका व्रत करने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय।